हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आपको जर्मनी के एक रोबोट की कहानी दिखाते हैं। तो देखिए, ऐसा ही रोबोट जो है वो हिंदुस्तान में भी बन गया है, लेकिन ये रोबोट लोगों को कोरोना से बचाने के तरीके बता रहा है। हालांकि तरीके तो हम भी आपको बताते हैं लगातार, लेकिन ये रोबोट खास है। आप भी देखिए कोरोना से लड़ाई में इंसानों के लिए मशीन का संदेश। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक रोबोट है, इसका नाम पेपर है। इसके सीने पर एक छोटी सी स्क्रीन लगी है। जर्मनी की सुपरमार्केट में ये रोबोट ग्राहकों को कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताता है, जैसे कैसे खरीदारी करें, एक साथ सामान ना खरीदें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, फेस मास्क जरूर पहने, हाथ मिलाने से बचें। Wir haben uns natürlich erhofft, dass der ein oder andere Kunde für einen Moment einfach mal schmunzelt bei einer angespannten Situation. Und das haben wir durchweg erreicht. Jeder lacht, jeder schmunzelt, sagt, das ist eine tolle Idee. Wir haben eine angespannte Situation gerade im Kassenbereich auflockern können. Und das war uns sehr, sehr wichtig. जर्मनी उन देशों में है यूरोप के जहां कोरोना का संकट भयानक रूप ले चुका है, लेकिन फिर भी देखिए लोगों की एक जोर आजमाइश अपने भीतर पॉजिटिविटी जगाए रखने की। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।